हाय फ्रेंड्स आपण को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे रिजनिंग टीचिंग एपिसोड एवं एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा सीटीबीडी एवं बीएचडी एग्जाम रो 2014 मसेर 2023 मसेर प्रीवियस रो क्वेश्चन को आमे एही सीरीज माध्यम रे डिस्कशन करा जाउछि एवं एहा होछि पार्ट नंबर 7 अटे आपण एहा पूर्व अन्य 6 टी पार्ट को देखिनै ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे एवं यार समस्त थ्योरी क्लास देखिपारे टेलीग्राम ग्रुप रे बा व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन नहीं थे डिस्क्रिप्शन को जाए जॉइन हो पारे। तेणु आरंभ करवा क्लास को टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस एवं रीजनिंग रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइंस द कलर ऑफ आवर आई। आम आखिर जो कलर थाए ताहा कहा द्वारा होई थाए, तार कलर के डिटरमाइन करिथे के करिथे अमाउंट ऑफ मेलानिन इन आइरिस। आइरिस रे केते मेलानिन अछि ताहा अनुसार तार कलर टी डिटरमाइन करा जइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एज ऑफ जून 2018 द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किए थे। 2018 मसीह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल थे। उर्जित आर पटेल वर्तमान किए अच्छा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉर्मल एजेंसी नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक अटे बा कोटा गोटे फीचर्स अटे। फॉर्मल एजुकेशन क्या कहूँ आम जोटा कि स्कूल कॉलेज मानक नहीं थूँ जार फिक्स्ड एम थाए फिक्स्ड प्लेस थाए टाइम टेबल थाए स्कूल कॉलेज मानक जो इंस्टीट्यूशन मानक नहीं थूँ ताकू फॉर्मल एजुकेशन कहुए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या कहुए जहाँ डिस्टेंस एजुकेशन इग्नो है एनआईओएस है जार एम थाए किंतु तार सिलेबस थाए किंतु तार फिक्स्ड टाइम प्लेस न थाए यह नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जमीक डिस्टेंस एजुकेशन एनआईओएस इग्नो है। सेमती इनफॉर्मल एजुकेशन क्या कहुए इनफॉर्मल एजुकेशन जहाँकि आमर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अटे जहाँकि आम स्कूल बाहर नहीं था जार कौन फिक्स्ड एम न थाए ता लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अटे जार कौन टाइम टेबुल न थाए यह कहुए इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। तेणु कौटा गोटे नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन रो कैरेक्टरिस्टिक अटे कहुई कोटा उठे स्कूल एंड कॉलेज आर सम ऑफ द नॉन फॉर्मल एजेंसी। स्कूल कॉलेज नुहे स्कूल कॉलेज नुहे दि फॉलो ग्रेडेड सिस्टम ऑफ लर्निंग प्रोवाइड सर्टिफिकेट यह नुहे दि हैव ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्लान इन एडवांस एडवांस रे प्लान कराइए नुहे दि यूजुअली डू नॉट हैव द ऑर्गेनाइज्ड स्टाफ एंड प्लेस फॉर टीचिंग। दि यूजुअली डू नॉट हैव द ऑर्गेनाइज्ड स्टाफ एथिपे ऑर्गेनाइज्ड स्टाफ न थांती अब प्लेस फॉर टीचिंग एवं जगह मध्य फिक्स्ड न थाए यह कहुए नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। तेणु डी हो सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग डिग्नोटरी लॉन्च द साक्षर भारत अभियान ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डीएसएल ऑन द इंटरनेशनल डे 8 सेप्टेम्बर दिन किए लॉन्च करथिले साक्षर भारत अभियान को। साक्षर भारत अभियान को किए लॉन्च करथिले मनमोहन सिंह लॉन्च करथिले केबे लॉन्च करथिले 2009 मसेरे लॉन्च करथिले मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एनसीटीए स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप टू द ओवरसी टीचर्स एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज एनसीटी स्टैंड फॉर। एनसीटी रो फुल फॉर्म कोन होते। एनसीटी रो फुल फॉर्म होची नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होची एनसीटी रो फुल फॉर्म अटे। आम देश केबे आसतिला या 1995 मसीह आसला यार नाँव जना जाऊँच से टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट पर आसला हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे अच्छी। यही समय प्रधानमंत्री किए थे पीएम नरसिम्हा राव थे। यही समय प्रधानमंत्री यार 4 रिजनाल ऑफिस अच्छी जयपुर रे बेंगलोर रे भुवनेश्वर रे एवं भोपाल रे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट देखा टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन बा रीजनिंग रो क्वेश्चन करदेबा रीजनिंग रो करदेबा तापरे टीचिंग एप्टीट्यूड रो करबा। डांसर कहा सहित रिलेटेड अटे थिएटर ताहले जोकर कहा सहित रिलेटेड हेबो। डांसर थिएटर रे डांस करते जोकर को जगह रे जोक करते कोठरे करते सर्कस रे करते तेनु सर्कस हेबो यार सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा देखो एठार लॉजिक कोन लगी 175 160 150 तापर डैश दी 125 तापर 110 कोन लॉजिक लगी जिते क्वेश्चन आसो आम देखा जना जाऊँच डिफरेन्स होते पारे 110 रु 125 केते डिफरेन्स अच्छी 110 रु 125 15 डिफरेन्स। तापर नेक्स्ट देखा एठार कोन लॉजिक लगी 150 रु 160 10 रो डिफरेंस 160 रु 175 15 रो डिफरेंस तापर एठार केते डिफरेंस दिबो 15 मध्ये अछि 10 मध्ये अछि एठार 10 करी देखिबा 15 अछि जेहेतु 10 जदि डिफरेंस करबा ताले केते आसी जिवो 135 135 तापर 135 रु 150 15 डिफरेंस एठार 15 डिफरेंस अर्थात एठार ही ए लॉजिक हि लागिछि कोन होय छि देखंतु एठार 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 15 डिफरेंस तापरे 10 डिफरेंस तापरे पुणी 15 डिफरेंस तेणु एठार केते 135 हेबो 135 ऑप्शन रे अछि ताले ताहा हो जिवो यार सटिक आंसर 135 हेबो यार सटिक आंसर कोन लॉजिक लागिछि 10 डिफरेंस 15 डिफरेंस 10 डिफरेंस 15 डिफरेंस 10 डिफरेंस 15 डिफरेंस तेणु 135 हो जिवो यार सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ब्लड कहा सहित रिलेटेड होते लीच सहित ब्लड लीच सहित रिलेटेड होते ताले कार्कासेस कहा सहित रिलेटेड अटे लीच खाई थे ब्लड को कार्कासेस क्या खाई थे डेथ बॉडी को खाई थे तेणु कौटा हो भल्चर भल्चर खाई थे तेणु भल्चर हो सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पॉजिटिव क्या सहित रिलेटेड अटे प्रोग्रेस सहित ताहले नेगेटिव क्या सहित एनिहिलेट क्या सहित एनिहिलेट सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ ए टैंक गेट फिल इन 60 मिनिट्स गोटे टैंक टी कौन हो गोटे टैंक टी 60 मिनिट रे फिलअप हो देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टैंक इज स्टिल एम्प्टी 20 मिनिट ताले 20 मिनिट रे केते खाली रहबो कहै जाउछि केते फिलअप हेबो हमको कहौनी गोटे टैंक टी केते फिलअप होए 60 मिनिट रे गोटे टैंक टी फिलअप होए फुल फिलअप होए ताले आमको कौन कह 20 मिनिट रे केते खाली हेबो कहै एम्प्टी माने खाली केते खाली हेबो कहै ताले आम जानिबा गोटे मिनिट रे टैंक टी केते फुलअप होए 60 मिनिट रे टैंक टी फुलअप होए ताले ताले गोटे मिनिट रे केते हेबो 1/60 माने कर नै जिबा याको x नै जिबा बा 1 नै जिबा टैंक को ताले 1/60 फिलअप होए केते गोटे मिनिट रे ताले हमको 20 मिनिट रे प्रथमे जानिबा केते फिलअप होएटा 20 मिनट रे केते फिलअप हुए 20 मिनट रे केते फिलअप हुए 1/60 इंटू 20 ताले केते आसीब याकू जदि काटि देले आसीब काटि देले 1/3 आसीब 20 मिनट रे हुए केते 20 मिनट रे हुए 1/3 सॉरी 1 मिनट रे हुए 1/3 ना 20 मिनट रे 1/3 हुए ताले टोटल टा केते 1 थिला आमे टोटल टा 1 नै थिले 1/3 माने माइनस करि दंतु टोटल टा 1 एवं 20 मिनट रे केते फिलअप हुए ताहा को माइनस करि देबा ताले बाहर जेबो केते खाली होई थेटा तेनु केते आसीबो 3 2 6 सॉरी 3 1 3 -1 केते आसीबो 2/3 2/3 हो जेबो यार सटिक आंसर कोटा हो बी हो यार सटिक आंसर 20 मिनट रे 2/3 खाली होई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु डेवलप द फास्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ जी हुज स्टार्टिंग पॉइंट वाज टू ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई स्टूडेंट विथ लर्निंग डिजेबिलिटी हु आर इन नीड ऑफ स्पेशली टेल्ड एजुकेशन किए डेवलप करथिले फास्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ जी के डेवलप करथिले याकू अल्फ्रेड बिनेट एवं सैमन डेवलप करथिले फास्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा ए पर्सन गोज टू द गार्डन फॉर योगा एंड देयर ही कम अक्रॉस समवन हु टेल्स हिम वेरी गुड वेज ऑफ यूटिलाइजिंग लेजर टाइम व्हाट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज ही इम्पार्टिंग ताले से केउ प्रकार एजुकेशन नै छि कहा जाउ छि जड़े पर्सन को जगह जाइए गार्डन को जाइए बगीचा को जाइए कौन जा योगा जाइए कि लोक कौन कहले ताकू से तार लेजर टाइम को फ्री टाइम को से ठीक भाव में यूटिलाइज करुच्ची कहुले से क्यों प्रकार एजुकेशन नौ को प्रकार एजुकेशन नौ इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन या कौन हो इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन यार सटिक आंसर। फॉर्मल एजुकेशन जानी आम जहाँकि फिक्स टाइम थाए प्लेस थाए सिलेबस थाए किंतु यही योगा करिबार कौन से सिलेबस न थाए तार फिक्स टाइम न थाए प्लेस न थाए। इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन रे कौन थाए फिक्स टाइम टेबल यार अपोजिट अटे फॉर्मल एजुकेशन रो तेणु इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन यार सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज फोकस नॉट ओनली ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बट ऑल्सो ऑन देयर को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट he is also laying emphasis on their value education this means that he is straining on ताहले को थि प्रति से ध्यान देउछंती गोटे न्यू प्रिंसिपल आछंती से कोन को थि पय ध्यान देउछंती स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट। स्कॉलास्टिक माने कोटा जाके पाठ पढ़ा सहित रिलेटेड रे पढ़िबा होउची आपण स्कूल को जैतांती पढ़ितांती या कोन होटे आपण स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट किंतु को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट माने कोटाटे आपण कंप्यूटर शिक्षा नेले जोटा कि आपण को डेली लाइफ रे आपण को इम्प्लीमेंट करेंगे ता सहित आपड़ खेलिले सेठारे आपण को कौन फिजिकल डेवलपमेंट है एवं अन्य मध्य जहाँ आपण बाहर स्कूल बाहर जो खेल पड़िया करेंगे यही समस्त कौन अटे आपड़ को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट था कहुए तेणु यह द्वारा कौन होता है पिलाटीर सर्वांगीन विकास होता है डांस करेंगे तेणु यह कौन कहुए होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रति से ध्यान देते होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एम आर सिंह वाज गिवेन ए क्लास विथ स्टूडेंट हु आर वेरी नॉटी बट रोहन वाज वन हु कुड नॉट मेंटेन हिज अटेंशन इवेन फॉर 1 मिनट एट ए स्टेज रोहन इज सफरिंग फ्रॉम ताहले रोहन को बेमार रे सफरिंग होइछि। मिस्टर सिंह होउछंती गोटे क्लास विथ स्टूडेंट हु आर वेरी नॉटी जन टीचर अटंती से गोटे क्लास रो नॉटी स्टूडेंट अछि के रोहन एवं से कोन करूछि तार मेंटेन करि पारु नै तार ध्यान रखि पारु नै गोटे मिनिट पर्यंत से ध्यान रखि पारुनी ताले को रोगरे से पीड़ित अछि याकू एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहुए बा एडीएचडी कहुए याकू शॉर्टली एडीएचडी कहुए एवं याकू गोटे डिसेबिलिटी रे मध्ये न्या जाय नै किंतु मैक्सिमम पिलाटरे यह देखा जायछि एडीएचडी एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहुए एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हे बहरा सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट की इलेमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्योंटा गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो इलेमेंट्स नुहे कहुई आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे किए थांती यह गोटे ट्रायंगल अटे थाले टीचर रहिबे स्टूडेंट रहिबे ता सहित एनवायरनमेंट रही थाए एनवायरनमेंट हेबो टीचर हेबो स्टूडेंट हेबो किंतु ब्लैक बोर्ड हेबो नै सी हो जिवो यार सटिक आंसर सी हो जीव कोटा नहे कहुई हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ब्लैक बोर्ड नहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा राम उल ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑफ सम रॉन्ग डूइंग दैट ही डिड इन द क्लास ऑन रमेश व्हेन द टीचर गॉट टू नो द ट्रूथ सी रियलाइज दैट this was an adjustment mechanism that he chose to defend himself ram was exhibiting which of the following defense mechanism ताहले यही प्रकार डिफेन्स मेकानिजम को कौन कहुच्छी राम कौन करुच्छी से भूल करुच्छी से कथा होच्छी किंतु जिते बेले क्लास टीचर आसी जाउछंती से समय कौन कहूँ नाई मु कथा हो नहीं रमेश कथा होता कहीदे अन्न को दोष देदेउची यही प्रकार डिफेन्स मेकानिजम को कौन कहुच्छे यह कौन कहुए प्रोजेक्शन कहुए निजे भूल करवा अन्य को दोष देवा या कौन कहुए प्रोजेक्शन कहुए राम वुड ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑफ सम रॉन्ग डूइंग दैट ही डिड इन द क्लास ऑन रमेश व्हेन द टीचर्स गॉट टू नो द ट्रूथ सी रियलाइज दैट दिस वाज एन एडजस्टमेंट मेकानिजम दैट ही चूज टू डिफेंड हिमसेल्फ राम वाज एक्जिबिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेन्स मेकानिजम ताहले यही प्रकार अन्य को दोष देवा कौन कहुए प्रोजेक्शन कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पढ़े भारत इज अ सब प्रोग्राम ऑफ यह कहार प्रोग्राम थिला पढ़े भारत कार सर्व शिक्षा अभियान सभ्यां पढ़ंतु केबे आसीतिला 2001 मसीह आम देश में आसीतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए माइक्रो क्लास should have the following number of student. गोटे मैक्रो क्लास रे केते जन स्टूडेंट थांती, केते 5 रु 10 जन स्टूडेंट, 5 रु 10 जन स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हिच फिलोसफी एम्फासाइज ऑन द फैक्ट दैट इट इज नॉट एनफ टू नो द ट्रुथ बट एग्जिस्ट द ट्रुथ. किए कहिथिले जे आमे ट्रुथ को, सत्य को केवल आमे जानिबा कथा नुहे, ता काहेकि सत्य अटे ता विषय मध्ये आमे जानिबा कथा. नो द ट्रुथ बट एग्जिस्ट द ट्रुथ, माने आमे सत्य कहिले केवल ता सत्य नुहे, ता काहेकि सत्य अटे ता विषय आमे रिसर्च करबा कथा. ए कथा किए कहिथिले? या कहिथिले एक्सटेंशियलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म ए माने कहिथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव टू रोट लर्निंग. आमर घोषा पद्धति, रोट लर्निंग माने कौन? घोषा पद्धति. तार अल्टरनेटिव, तार अपोजिटा कौन अटे? यह कौन कहुए? एसोसिएटिव लर्निंग कहुए, एसोसिएटिव लर्निंग कहुए. तेणु यह किसी क्वेश्चन आशा कर बुझीपारे. टीचिंग एपिसोडर एजुकेशन जेनेल अवेयरनेस और रिजनिंग आम क्वेश्चन को डिस्कसन करें. नेक्स्ट पार्टे आम अन्य क्वेश्चन को डिस्कसन करवा. आपंकर जब कौन क्वेश्चन अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ. अन्य पार्ट को देखी ना प्लेलिस्ट को जी देखिपारे. थ्योरी क्लास कराई देखिपारे. टेलीग्राम ग्रुप बा व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं था डिस्क्रिप्शन को जॉइन हो पारे. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कर दिखाँ. तेणु थैंक यू.